जास के कमल जी वार्ड नंबर 31 की पौधाशाला नर्सरी के बगल में अनुमंडल पदाधिकारी जास कार्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र नारायण, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी जास दिलीप प्रताप सिंह सिखावत, DDC बोकारो कीर्ति श्री, जास SDPO पुरुषोत्तम कुमार, भाजपा जिला महामंत्री जयदेव राव, सांसद प्रतिनिधि RN ओझा, चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी, हरेराम मिश्रा, धर्मेंद्र मेहता समेत अन्य मौजूद रहे। का नए भवन का शिलान्यास है। जिस तरह से कार्य बढ़ रहा है और जो पुराना भवन ऐसे भी लग रहा था कि वो प्रखंड कार्यालय हो, अनुमंडल पर कार्यालय के जैसा लग भी नहीं रहा था, और आज ये अच्छा निर्णय है। पता भी नहीं चलता था कि अनुमंडल कार्यालय है क्या, लोग सड़क से पार हो जाते थे और खोजते रहते थे। तो यह मुख्य सड़क के किनारे और भव्य भवन बनेगा तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानी कम होगी खोजने में, और जगह अधिक रहने के कारण कई प्रकार के कार्य भी जो इधर उधर होते थे सब एक जगह पर होगा। अनुमंडल कार्यालय का अपना महत्व है, बहुत प्रकार के कार्य इस कार्यालय से संपन्न होता है। उसके बाद उपायुक्त कार्यालय हुआ, ऐसे तो धनबाद में देखता हूँ कि कंबाइंड बिल्डिंग जहाँ पर DDC भी अलग है उनके लिए भव्य कार्यालय। तो जितने प्रकार के कार्य हैं वो सब अच्छे ढंग से संपन्न हो, लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए कार्यालय का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से ये प्रसन्नता का। कितनी लागत की योजना से बनने जा रही है? कितनी लागत की योजना से बनने जा रही है? हम लोगों का नहीं है विषय।